बात वही, इधर से नहीं पकड़ा कान, यहाँ से पकड़ लिया पता है। नया कॉन्सेप्ट कॉमेडी सर्कस का फॉर्मेट सब लोग को पता है, हम लोग जोड़ी में तिकड़ी में आते हैं और हर बार एक नए थॉट के ऊपर एक नई इनेक्टमेंट करते हैं, नई स्किट करते हैं, नया एक्ट करते हैं, और हम लोग इस बार भी वही कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट नया है। आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि यार ये लाइन पहले भी सुनी हुई है, और ह्यूमर वो है जो आप ड्राइंग रूम में बैठ के देख सकें, एंड ये नया है, चेहरे नए हैं। ह्यूमर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुराने वाला ही है, मतलब जितना पहले हंसते थे आप उतना ही हंसेंगे, चेहरे नए हैं। जो मेरी टीम में दिव्यांश है, छोटा सा बच्चा, सबको पता है, वो छोटा रिचार्ज उसके अंदर बोनस टॉक टाइम भर के भेजा भगवान ने। और अदिति है मेरे साथ, जिसको आप लोग मोहब्बतें में देख चुके हैं, रूही, और बाकी पारितोष का पहला सीज़न है, अनीता इज़ देयर, वेटरन अनीता अनसंदानी, बहुत सारे लोग हैं पुराने, बहुत सारे लोग नए हैं, तो कुल मिला के एक बैलेंस्ड टीम है, एंड आई होप कि ये टीम जो करना चाहती है वो करने पे हम लोग पूरा खरे उतरे। शुरू में थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं, सीनियर होने का फ़ायदा तो होता ही है आपको, कॉलेज में हम लोग के साथ बहुत सारी रैगिंग हुई है, लेकिन हम लोग यहाँ रैगिंग नहीं करते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बींग सीनियर, जब आपने किसी प्लेटफॉर्म पर पहले काम किया हो तो अक्सर आपके ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि नए लोगों को आप एट ईज़ लेके आओ, क्योंकि जैसे हम अपने सीनियर्स के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा हेल्प किया, हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ नए लोग काम करने आने वाले वो भी यही बोले, ये ना बोले अरे यार कोई काम का आदमी नहीं था, अरे बड़ा खून पीता था, वैसा नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी कोशिश करी है कि हम लोग उनके साथ सीखने को, एक तो ये मिला है कि नए लोगों को आप एट ईज़ फील कराना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर शो अच्छा बनेगा तब आप बड़े बनोगे, कभी ऐसा नहीं होता, फ्लॉप फिल्म का हीरो कभी स्टार नहीं बनता, अगर फिल्म चलती है तो सब लोगों का काम चलता है, सब लोग स्टार बनते हैं, सबका घर चलता है, ऐसे ही एक शो के साथ भी ऐसा होता है कि सब लोग अगर अच्छा काम करेंगे तो शो अच्छा बनेगा। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि ये नया है तो इसको थोड़ा पीछे खींच लो, ये पुराना है तो इसको उतनी तवज्जो मत दो, ऐसा नहीं हुआ हमारे शो में, हम लोगों ने ये सीखा है थ्रू आउट जितना भी अभी तक काम किया है, शो अच्छा बनना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर शो अच्छा बनेगा तो जो पुराना है वो और पुरानी शराब जैसा हो जाएगा और पक जाएगा, जो नया है वो धीरे धीरे मैच्योर होता जाएगा, क्योंकि टाइम मिल जाता है आपको, तो यही सीखा है हमने फिलहाल। अर्चना मैम के बारे में क्या कहेंगे, अर्चना मैम जान है हमारे शो की, और मैंने लाइफ में आज तक उनके जैसा इंसान देखा नहीं, अगर आप किसी के साथ मजाक करते हो तो लोग 2, 4, 5, 6, 7 बातों के बाद बोल देते हैं बस बहुत हो गया, 8-9 साल से लोग उनके साथ मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी वैसी ही हैं। मेरे को कभी कभी ये लगता है कि अगर अर्चना नहीं होती तो हम क्या करते, मतलब सीरियसली कॉमेडी सर्कस आप अर्चना के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते, और सुहेल भाई से बेटर इंसान उनके बगल में बैठने के लिए नहीं है। सी क्या होता है, जब आप किसी शो पे जाते हो ना तो छोटी छोटी बातें होती हैं, कभी कभी जो जजेस बैठे होते हैं जब आपको आपके नाम से एड्रेस करते हैं ना, जब आपको एक पर्सनल टच देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो जैसे अगर हम लोग आप मेरी इंटरव्यू करें तो अगर मैं आपको नाम से बुलाऊं कि आ जाओ आप इधर इंटरव्यू, तो आपको लगेगा कि यार एक एट ईज़ वाला माहौल मिल जाता है कि हम दोनों कंफर्टेबल हैं बात करने में। तो उनके अंदर वो छोटी छोटी क्वालिटीज़ हैं जो हम लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करती हैं, और जहाँ जहाँ हमसे गलती होती है वहाँ वहाँ हमारा कान भी पकड़ा जाता है, बट अभी तक फ़िलहाल जो भी शूट किया है अच्छा ही शूट किया है, एंड थैंक यू सुहेल भाई, थैंक यू अर्चना मैम फॉर बीइंग सच अ ह्यूज सपोर्ट टू ऑल ऑफ अस। सैटरडे संडे 15 सितंबर से रात को 9:30 सोनी टीवी पे कॉमेडी सर्कस ज़रूर देखिएगा, और फिलहाल ये करो, फिर बाकी मैं बताऊँगा बाद में क्या करना है, फिलहाल आप ये फॉलो कीजिए, थैंक यू सो मच।